वेलकम गाइस, नेम इज मोटर बीड। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपसे 300 cc वाला जो इंजन है उसका क्लच पेट फिटमेंट प्रोसीजर हम आपको बताएंगे। ये देखिए, हमारे पास एक क्लच बॉक्स है, उसके ऊपर हम एक ट्रिंक्शन प्लेट और एक क्लच पेट लगा रहे हैं। तरीके से क्लच प्लेट और फ्रिक्शन प्लेट एक एक लगाना है। वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। ये जो नया मॉडल है आपके 300 cc वाला, ये पेट्रोल, CNG, LPG इसमें उपलब्ध है। इसमें क्लच प्लेट 5 और फ्रिक्शन प्लेट 4 बैठता है। ये हमारा असेंबल हो गया। इसके बाद हम जो व्हील क्लच है उसको लेंगे। जो क्लच हब आता है हमारा, उसके बाद जो हमने असेंबल किया है उसको लेंगे और उसके ऊपर फिट करेंगे। इस तरीके से फिट करेंगे। इसके बाद जो हमारा हब है, व्हील हब, क्लच हब, उसको लेंगे। जो हाउसिंग, जिसे हम मैकेनिक भाषा में हाउसिंग बोलते हैं, क्लच हाउसिंग, क्लच हाउसिंग लेने के बाद जो हमने असेंबल किया है, वो असेंबल किया हुआ है, जो हमने जिस तरीके से असेंबल किया हुआ था उसको फिट करेंगे, उसके अंदर डालेंगे। उसके बाद जो क्लच हब की स्प्रिंग है, स्प्रिंग को डालेंगे। उसके बाद जो होल्डर प्लेट है, जो इसमें 6 प्लैंस हैं और 6 बोल्ट बैठते हैं 8 mm के, उस बोल्ट को फिट करके बिठाएंगे। इस तरीके की वीडियो अगर आपको और देखना है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।